रे, तुम इनकी जहनी कंडीशन का अंदाज़ा नहीं कर सकते। इस वक्त ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है और जितनी टेंशन ये ले रही हैं, मुझे डर है कहीं इन्हें ब्रेन हैमरेज ना हो जाए। अल्लाह खैर करे यार, हम तो बिनी से मिलाने के लिए जा रहे थे, बस ये अचानक से तबीयत खराब हो गई। यही तो परेशानी है। मैं तो तुम्हें मशवरा दूंगा, इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दो ताकि इनकी बेहतर केयर हो सके, क्योंकि तुम दोनों ही बिजी रहते हो। अगर ये मान जाए तो हमें तो कोई इतराज़ नहीं। इन्हें समझाओ कि इनकी सेहत और जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। कोशिश करूंगा लेकिन हॉस्पिटल के लिए राजी नहीं होंगे। देखो, मैंने तुम्हें इनकी सारी कंडीशन बता दी है। अब अगर तुम घर पे ही इलाज कराना चाहते हो तो किसी नर्स का बंदोबस्त करो ताकि हर वक्त वो यहाँ मौजूद रहे। देखो, इनके पास 24 घंटे किसी अटेंडेंट का रहना बहुत जरूरी है। किस हक से आई हो तुम यहाँ और क्या करने आई हो? हमारी बेबसी देखने के लिए, हमारी मजबूरी हमें देखने के लिए? निकल जाओ यहाँ से। क्या मतलब है आपका? आप नहीं जानते ये कौन है? ये चोरनी है, बदकिरदार लड़की। इसकी वजह से मेरा खानदान बिगड़ गया है, तबाह कर दिया इसने हमारे खानदान को। यही तो फितना फसाद है। इसको निकाले, इसकी वजह से बीनी की जिंदगी तबाह हुई है, राहिल गुमराह हुआ है। इसको निकाले। रशीद चाचा, रशीद चाचा। जी साहब। उरूसा कहाँ है? उरूसा बीबी तो उसी वक्त चली गई थी जब बेगम साहिबा ने उन्हें। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आपने उसे रोका क्यों नहीं? माफी चाहते हैं।